नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर लीडर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल पर आप देखते हैं कि खेती बाड़ी से आप कैसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल एग्रीकल्चर लीडर को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको बताएंगे फसलों के प्रमुख पोषक तत्व और उसकी कमी के लक्षण। सबसे पहले बात करेंगे कॉपर के बारे में। कॉपर तत्व की कमी से क्लोरोसिस के लक्षण पत्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पत्तियां सूखने लगती हैं, इन पत्तियों का किनारा पीला हो जाता है। नींबू में डाई बैक नामक बीमारी कॉपर की कमी से ही होती है। जिंक, जिंक की कमी से पत्तियां हल्के पीले रंग की होने लगती हैं और धारियां बनने लगती हैं। धान में जिंक की कमी से खैरा बीमारी होती है। इसकी कमी को दूर करने के लिए 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 1 किलोग्राम बुझे हुए चूने की मात्रा को मिलाकर 400 लीटर पानी में 2 छिड़काव प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। पौधों को आयरन की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। इसकी कमी तभी होती है जब पौधे इसे अवशोषित नहीं कर पाते। फेरस सल्फेट द्वारा मिट्टी या पर्णीय छिड़काव से इसकी कमी दूर हो जाती है। मैंगनीज, बीन्स और पालक में क्लोरोसिस, आलू में धब्बे और ओट में ग्रे स्पाइक नामक बीमारी मैंगनीज की कमी से होती है। मैंगनीज सल्फेट का पर्णीय छिड़काव करने से इसकी कमी को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमें खेती बाड़ी से जुड़े कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगली वीडियो में फिर लेके आएंगे एग्रीकल्चर से जुड़ी कुछ नई बातें। तब तक के लिए नमस्कार।